लेती तू बेटा, पर अब डॉक्टर दवा सही नहीं लिखता है। मैंगो जूस पीना है, मुझे ब्रेड नहीं खाना है प्लीज। बहू बेटा, सुबह रोटियां क्यों नहीं बनवाती? आज बनने दे तो सबको जूस ही पीना पड़ेगा। जिसको ब्रेड नहीं चाहिए वो थोड़ा खा ले। हरि भैया, माँ के लिए दूध दीजिए, इन्हें जूस पी के जुकाम हो जाता है। जी मैम, लाया। आप आगे ना आ जाए, उनका चलो। पंडित बताएंगे किधर है, निकलो। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, इनसे मिलिए, ये मेरी माता जी हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, तुम वही हो ना जो बारह कोर्ट पढ़ना सिखाती है? जी माँ जी, मैं मूक बधिर बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं उन्हें साइन लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस पढ़ना। आपकी बात मुझसे हुई थी, मेरी छोटी बेटी खुशी वो सुन नहीं सकती, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे लिपरीडिंग और एक्सप्रेशन पढ़ना सिखा दें। अभी हम उसे कुछ भी बोलते हैं तो वो समझ नहीं पाती। इस साल हम उसे स्कूल भेजने वाले हैं, तो थोड़ा सा तैयारी हो जाएगी उसकी। जी सर, इसके लिए जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है मैं करूंगी, यही तो मेरा काम है। चलो फिर अंदर चली जाओ। या किसी की माँ है, मैंने उसको बताया तुम्हारे बारे में, उससे मिल लो। मुझे जरा जल्दी है, माता जी को डॉक्टर के पास दिखा कर मुझे ऑफिस भी जाना है। फिर किसी टाइम आपसे पूछा तो बात करता हूँ। श्योर सर। भाग जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने रोज रोज का मैटर लगा रखा है। पता नहीं कैसे माँ बाप है, बच्चों को बस पैदा करके छोड़ देते हैं। भाग जाओ, नहीं तो आज तुम लोगों को पीट पीट कर भगाएंगे। इसलिए इस बुढ़िया की पोती बहरी पैदा हुई ताकि इसके ताने ना सुन सके। कौन? हेलो मैम, माय नेम इज श्वेता। हेलो, आप उसी की नई टीचर हैं? जी मैम, आपने सही पहचाना। आइए बैठिए। उसी बेटा, मैम को हेलो बोलो। छोड़िए मैम, देखने दीजिए, मैं मिल लूंगी बाद में। आइए आप भी बैठिए। ऐसी मन में हो जाती है, अपनी दुनिया में खो जाती है। आपको कब पता लगा कि बोल और सुन नहीं सकती? एक साल की होगी जब बीच के बराबर के सारे बच्चे बोलते थे।
और ये नहीं बोल पाती थी, तभी हम समझ गए कि ये बोल नहीं सकती। 3 साल से तो इसके लेफ्ट कान में थोड़ी सी एयरिंग पावर थी, क्या हम ऐसे ही लगते हैं? ये आम बात है, आप इसकी माँ हैं। पता है, मैं हमेशा ये चाहती थी कि ये मुझे माँ कर बुलाए। सॉरी, वो मैं थोड़ा भावुक हो गई थी। कोई बात नहीं मैम, हो जाता है। अच्छा मैम, एक चीज़ पूछनी थी आपसे, क्या ये जेनेटिकल है? मेरा मतलब है, परिवार में कोई और ऐसा था जिसे जो बोल और सुन नहीं सकता था? नहीं, ये मेरे परिवार में पहली ऐसी है, इसीलिए शायद कोई इसको हैंडल नहीं कर पाता। इसके फादर चाहते थे कि आप इसे कम से कम लिप रीडिंग सिखा दें, ताकि वो क्या बोल रहे हैं ये समझ सकें। चलो, देर हो रही है। रुचि बेटा, मैम को हेलो बोलो। हेलो मैम। हेलो बेटा, सो क्यूट। ये मेरी बड़ी बेटी है रुचि, आज इनकी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो मुझे वहीं जाना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो। अरे भैया, ये खुशी की नई टीचर है, आप इन्हें चाय कॉफ़ी जो भी ये लें आप इन्हें दे दीजिएगा। जी मैम, आप बेफिक्र होकर जाइए, मुझे कुछ चाहिए होगा मैं ले लूँगी। मैम आप इसे अपना ही घर समझे। जी मैम, श्योर मैम। अरे भैया, आपकी मैम तो बहुत इंग्लिश बोलती हैं। जी मैम, वो शादी से पहले किसी बड़ी कंपनी में काम करती थी, और अब शादी के बाद वो घर की देखभाल करती हैं, इसलिए लगती नहीं है। आपके लिए चाय लाऊं या कॉफ़ी? नहीं, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बुला लूँगी, तब तक मैं खुशी से मिल लेती हूँ। मैम आपको कुछ चाहिए होगा तो बुला लीजिएगा, मैं किचन में ही हूँ। घुटने। हरी हरी बेटा,
जी दादी। बेटा यार थोड़ा पानी गर्म कर लिया, दवा खा लेती हूँ। दादी को नमस्ते बोलो। नमस्ते। आज ये बहुत खुश लग रही है, तुमने तो आते जादू कर दिया। इतना खुश तो इसे मैंने इसे रुचि के साथ खेलते हुए देखा है। बच्ची है माँ जी, बोलना सीख रही है इसीलिए खुश है। बुढ़ापे में अब मैं इसकी भाषा कहाँ सीख पाऊंगी। इसके दादाजी ने भी बहुत कोशिश की, मैं उनकी बातें नहीं समझ सकी। दादाजी भी बोल और सुन नहीं सकते थे, लेकिन मैडम तो कह रही थी कि परिवार में कोई और ऐसा नहीं था। मेरे बेटे को लगता है कि क्या होती है ससुरजी में उसका मजाक बनेगा, इसीलिए बताने से मना करता है। सोसाइटी दादी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। हाँ वही समाज, उसके गूंगे भरे बाप ने उसी समाज से लड़ते लड़ते बेटी को इस लायक बनाया कि आज बेटा समाज के साथ खड़ा होकर गूंगे भैरों का मजाक उड़ा सके। पता है वो तो खुशी को अनाथ आश्रम भेजना चाहता था। वो तो मुझे पता है माँ का प्यार कैसा होता है। मैंने ही उससे कहा कि बाहर पता नहीं चलेगा कि ये गूंगी और बहरी है, पर ऐसी बातें कहाँ छुपती है। जी दादी। अच्छा सुन, उन लोगों को मत बताना ये बातें, तुम्हें पता है। तुम तो बस इसे अच्छे से सिखा दो सारी चीज़ें। बेचारी बच्ची अच्छे से जिंदगी बीते, इसकी ऊपर वाले इसका ख्याल रखे। जी दादी बिल्कुल। कुछ नहीं, बस मैं इसे पूछ रही थी कौन सी दवा कितनी बार खानी है। ये तो एक ही दिन में शुरू होगी। क्या बोल रही? वही जो आप इसके मुंह से बचपन से सुनना चाहती थी। ये क्या मुझे माँ के क्या मिला रही है? आई लव यू। बात कर सकती हूँ? बेटा तुम लोग खेलो, मैं अभी आती हूँ। मैम बुरा मत मानिएगा, पर शायद आपके हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं खुशी को साइन लैंग्वेज सिखाऊं। मैं जानती हूँ मैम, उनको इसके मुख बधिर होने से बहुत दिक्कत है। वो चाहते हैं कि ये बाहर जाके हाथों का यूज ना करें, इसीलिए उन्होंने आपको इसे सिर्फ लिप रीडिंग सिखाने को बोला होगा। वो चाहते हैं कि समाज में ज़्यादा लोगों को इस बात का पता ना चले कि उनकी लड़की गूंगी बहरी है, उनका सोशल स्टेटस डाउन हो गया है। जी मैम, पर मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुशी को सिर्फ दूसरों के समझने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। आप ही सोचिए, अगर आपको कह दिया जाए कि आप सिर्फ सुनिए और जवाब में सिर्फ हाँ और ना बोलिए, तो आपको कैसा लगेगा? मैम साइन लैंग्वेज उसके एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जी आज मैं खुशी के पापा से बात करती हूँ। अच्छा मैम, खुशी को सिखाने के लिए मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कल मैं ले आऊँगी। अभी के लिए बाय। मैम खाना बना रही हैं। अच्छा बोलो, एक चाय बना दे मेरे लिए। दवा खा ली? हाँ खा ली, आराम है दर्द से।
ये क्या कर रही है? शायद क्या शायद आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको पता है कि ये क्या कर रही है। जूस मांग रही है। ये चल क्या रहा है? मैंने कहा था इसे कोई साइन लैंग्वेज नहीं सिखाएगा। अगर इसे यही सब तमाशा करके दुनिया में मेरी नाक कटवानी है तो जा निकल जा इस घर से। जब तेरे ऊपर भगवान को दया नहीं आई तो मेरे से क्या उम्मीद करती है? इसमें इस मासूम की क्या गलती है? तुझमें और उन गरीब बच्चों जो सुबह भीख मांग रहे थे उनके माँ बाप में क्या अंतर है? बच्ची है, सीख गई। मास्टर तूने तो बुलवाई थी, उसने सिखाया, सीख गई। कल से मना कर दे इस बच्ची को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके पैदा होते ही मैंने उसका गला क्यों नहीं घोट दिया? पहले मेरे बाप ने समाज के सामने मेरा मजाक उड़वाया और अब ये? चुप करना लायक, तेरे बाप ने तेरे बारे में ऐसा सोचा होता आज तेरी जुबान जहर नहीं उगल रही होती। सर चाय भेजा मुझे नहीं पीनी। जाके उस बहरी को पिला दे और बोल दे कि मेरी नाक कटवाना बंद करे। पापा देखो मेरा रिजल्ट आ गया, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। वेरी गुड, इस घर में कोई तो है जो समाज में मेरा नाम ऊंचा कर रहा है। लाओ दिखाओ अपना रिजल्ट। आपने किसी को मारा है? अभी तक तो नहीं मारा है, पर अगर अगली बार इसने इशारे में बात की तो जान से मार दूंगा इसे। समझा दो, तुमसे बोला था कि टीचर को समझा देना कि सिर्फ लिप रीडिंग सिखाए। वो बोलती है तुम्हें अपने अंदर की हवा नजर आने लगता है क्या? हवा मैं हूँ जो करो जिस लड़की पैदा की है। समाज में ले जाने के लायक ये जानवर, इससे अच्छा होता कि मैं कोई जानवर ही पाल लेता। तुम क्या जानवर पालोगे? जानवर तो मैंने पाल रखा है। दिया तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। लिमिट माय फूड, तुमने मेरी बेटी को बोला है तो सुन, एक माँ कौन होती है? साइन लैंग्वेज इसीलिए नहीं सीख पाई क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर उनके बहन होने का मजाक उड़ाए। मैं आज तक चुप रही क्योंकि मैं रुचि को भी उतना ही प्यार करती हूँ, नहीं तो तुम्हारे जैसे जानवर के साथ कोई औरत क्यों ही रहना चाहेगी। अरे चली जा अपनी उस कार्टून जैसी लड़की को लेकर, जा छूटे तुम दोनों से। और मेरी माँ क्या चाहती? मैं उसका बेटा हूँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ का भाग्य तो उसी दिन फूट गया था जिस दिन मेरे बाप से। विजय खबरदार, जो तूने अपनी गंदी जुबान से मेरे पति का बारे में कुछ बोला, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए तू अपने पिता का नाम खराब कर रहा है। तुमने चाहे उनके साथ चाहे जो भी किया हो पर मरते मरते तो आशीर्वाद ही देकर। ऐसी औरत है जो एक माँ बेटे के बीच में झगड़ा लगवाती है। अच्छा तेरी बेटी घूम गई है, नहीं तो वो भी किसी का घर तुम्हारी होती। मिस्टर विजय तेरी यही किस्मत है, ना तू अच्छा बेटा बन सका ना अच्छा पति, और अच्छा बाप तू क्या ही बनेगा। तेरी औकात ही नहीं कि तेरी इस समाज में कोई इज्जत करे। तुझे दिखाता हूँ तभी तेरी औकात। अगर इसे इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहे, नहीं तो उस गुंडी को लेकर चली जाए इस घर से। रुचि मेरी बेटी है, उसके लिए पूरा घर है, पर खुशी उसकी औलाद है, ये जाने उसको। बेटा बोलोगे ना? हाँ तो सुनो, कल से खुशी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कल ही उसकी माँ इसे नॉर्मल स्कूल के बच्चों के साथ पढ़ने भेज रही है। Na 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 na
अपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इंसाफ मिलता नहीं। खून भी बह गया, चैन भी उड़ गया, डर मिटाने वाले कोई नहीं। तुझे को इनके खुदा बन के रहना है, तुझको करता हूँ मैं यकीन। कंधा नीला तन मंदर तारे नारे दर्ज करा दिया। जी माँ जी। और वारंट जारी हुआ? बस पुलिस ढूंढने निकली है दादी। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे दादाजी का एक पुश्तैनी मकान है, हम लोग वहीं जाकर रहेंगे। कल उसी बड़ा मजा आएगा, वहाँ पापा भी नहीं होंगे तुझे मारने के लिए। चलिए भाई साहब आप यहीं आ गए। अरे अब उनसे बात करने का समय समाप्त हो गया है। लीजिए तलाक के नोटिस और खुशी और रुचि के कस्टडी की ऑर्डर। इनसे बात करने का सोचिएगा भी नहीं। भाई साहब एक क्रिमिनल एडवोकेट हैं, 302-307 का मुकदमा लिखा के लाए हैं। दादी मैडम और बच्चों की तरफ से पुलिस मिलती होगी आपसे थोड़ी देर में। क्या दिक्कत है इनकी? इनका नाम विजय है भाई साहब, इन लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास तो ये जान से मारने का करता है, दूर रहो इनसे, नहीं तो एक मुकदमा और लिखवा दूंगा। मेरे क्लाइंट अब तुम्हारी लड़की की तरह गूंगे बहरे हैं तुम्हारे लिए। वीडियो देखे हैं मैंने तुम्हारे सारे, कल रात का भी देखा है। बहुत समाज समाज करके घर वालों को मारता पीटता है वो। लीजिए इंस्पेक्टर साहब। सुनो, ये भारत देश है और ये इस संविधान से चलता है। इस संविधान में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार प्राप्त है। वैसे तुम पढ़े लिखे लगते नहीं हो, पर जेल जाने के बाद मैं तुमको भिजवाऊंगा, देखना पड़ के कि भारत का समाज कैसा है और उसके अधिकार कैसे हैं।